हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल स्टेप्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बेसिक टर्म को यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे आप किसी भी मशीन के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले उसे कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले उसमें जो बेसिक टर्म को हम यूज करते हैं उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो टर्म हम जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो बार बार क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग जो है बेसिक टर्म के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टर्म को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो चलिए, और सेवेंथ टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है टाइम, यानी जिस प्रकार किसी भी मशीन को पढ़ने से पहले हम लोग उसके टूल के बारे में जानते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पढ़ने से पहले हमको इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो है इसका हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है इसका हम यूज करने वाले हैं। तो जब वहां पर हम इन सब वर्ड के उस वर्ड को बोलेंगे तो वहां पर आपको पता होना क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं आगे। तो फर्स्ट में हम लोग को देखना है रिजिड बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में। जनरली बॉडी को दो भागों में बांटा गया है, बॉडी का सिंपल मतलब हम लोग समझ सकते हैं वस्तु, ठीक है, और इसमें हम बात कर रहे हैं सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड बॉडी को जनरली दो भागों में बांटा गया है, पहला है आपका रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और सेकेंड है आपका, इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, देखिए रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, इसके बारे में हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो देखिए, जब किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आपका ये कोई बॉडी है, इस पर एक हम फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं, और इस फोर्स के कारण अगर बॉडी के शेप और साइज में अगर चेंजिंग नहीं आता है, क्या होता है, बॉडी के अगर शेप और साइज में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। यानी रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जिस पर अगर किसी प्रकार का हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी के शेप और साइज में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। मगर बात करेंगे अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी का, तो यह वैसा बॉडी होता है जिस पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक क्या है, स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, इस पर अगर आप कोई फोर्स अगर अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए कि इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम पी, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, मेरा जो स्प्रिंग होगा उसका क्या होगा, साइज जो है क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या होगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। या अगर मान लीजिए कि इसको हम कंप्रेस करते हैं किसी फोर्स को, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई फोर्स पी लगाते हैं तो इस फोर्स के कारण मेरा स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, यानी दबा जाएगा, यानी इसका जो है एक्चुअल जो साइज है उससे इसका साइज क्या होगा, कुछ कम जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वैसा बॉडी जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये बोर्ड है या किसी प्रकार का बॉडी जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे बुक हो गया, ठीक है, या मान लीजिए कि आपका टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, यानी फर्नीचर से बना कोई भी सामान या मेटल से बना हुआ कोई भी सामान, ठीक है, उसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, वह उसके शेप और साइज में किसी प्रकार का चेंजिंग अगर नहीं होता है तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। यानी बोर्ड आपका क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ये चौक क्या है, ये भी आपका एक रिजिड बॉडी है। मगर अगर हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी का, तो उसमें जो आपका जो है स्प्रिंग हो जाता है वो क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी के अंतर्गत आता है। या आपका जो है रबर का हम अगर चर्चा करते हैं तो रबर भी क्या है, आपका एक प्रकार का डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो आइए इसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन कहता है कि ए बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी, ठीक है। यानी वैसा बॉडी जिस पर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं और इस फोर्स के कारण अगर बॉडी मेरा क्या हो रहा है, अगर बॉडी के शेप और साइज में किसी प्रकार का अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो उसको जो हम बोलेंगे वो कौन सा बॉडी बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अगर बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के कारण बॉडी का अगर शेप और साइज अगर चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। समझ आ रहा है, यानी शेप और साइज चेंज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, और शेप और साइज अगर चेंज नहीं हुआ तो रिजिड बॉडी। समझ आ रहा है ना। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स, पार्टिकल किस, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ। पार्टिकल का है तो अगर मान लीजिए कि कोई आपका एक बॉडी है, ठीक है, और उसका होल वेट यानी टोटल वेट जिस पॉइंट पर लोकेटेड होता है, जिस पॉइंट पर लोकेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। चलिए तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम डीपली आगे समझते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं कि पार्टिकल्स होता क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन बोलता है कि इट इज अ होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड हुज साइज कैन बी नेग्लेक्टेड देन इट इज नोन एज पार्टिकल्स। समझ आ रहा है, यानी इसको सिंपल में अगर समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी, तो इस बॉडी का टोटल मास, ठीक है, इस बॉडी का टोटल मास जिस पॉइंट पर लोकेटेड होगा, जिस पॉइंट पर लोकेटेड होगा उसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपका क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं इसके सेंटर, इसका सेंटर यहां है, जनरली सेंटर है पर ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेंटर यहां है और इस पर जो इसका क्या है, टोटल मास क्या है, वह लोकेटेड है, ठीक है, ये क्या है, टोटल मास इस पर जो है लोकेटेड है, मास लोकेटेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। इसका साइज बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, यानी इस पार्टिकल का साइज उस बॉडी के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इस बॉडी को हम काट भी देंगे, अगर मान लीजिए इसका हाफ ले लेते हैं, यहां पर हाफ पोर्शन, अगर मान लीजिए कि छोटा सा पार्ट अगर ले लेते हैं, इसको कट कर दिए यहां से, ठीक है, ये आपका बॉडी का पार्ट हो गया, तो इस बॉडी का टोटल मास जिस पॉइंट पर लोकेटेड होगा वह पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका पार्टिकल्स कहलाएगा, और उसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, यानी नेग्लेक्टेड होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जो अगर अर्थ के कंपेयर में देखेंगे तो सन भी क्या है, एक पार्टिकल है, या जो भी स्टार है वह क्या है, एक तरह का पार्टिकल है, क्योंकि अगर आप यहां से देखते हैं तो उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा दिखाई होता है, मगर एक्चुअल में जो है वह उतना छोटा नहीं है, उसका साइज जो है पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। तो उसका साइज जो है वहां पर तो बड़ा है, मगर हम जब यहां से देखते हैं तो उस केस में हम लोग क्या होगा, यानी पृथ्वी से अगर हम देखते हैं किसी भी स्टार या सन को देखते हैं तो यहां से हमको क्या दिखाई देता है, एक पार्टिकल का, पार्टिकल जैसा हमको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका जो है ओरिजिन है और ये आपका वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट यानी ओरिजिन से, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि यहां से r डिस्टेंस पर, क्या r डिस्टेंस पर, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी, ठीक है, क्या है, बॉडी है, बॉडी है, ये डिस्टेंस आपका r हो गया कि एक और एक्सिस हम ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, ये एक्सिस ले लेते हैं x हो जाएगा, ये एक्सिस ले लेते हैं वाई, ये आपका जो है ये ओ हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ डैश, इसको एक्स डैश मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं, और इसका यहां से जो है ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं डी, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर अगर मान लीजिए कि आपका एल है, इसका डायमीटर क्या है, एल है, तो जब आप ओ डैश से इस बॉडी को देखिएगा, ठीक है, यानी यहां से जो यह डिस्टेंस जो डी है वह एल की अपेक्षा क्या है, लगभग यानी बराबर है, लगभग बराबर है, यानी इसके कंपेयर में जो है यह क्या है, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है, कहां, ओ डैश से देखने पर,
समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है अंतरिक्ष से अगर मान लीजिए सन से यानी पृथ्वी से कुछ दूर चले जाते हैं यानी सन के निकट से जाते हैं, मान लीजिए आपका क्या है ये सन है और सन के निकट यानी ये पृथ्वी आपका है ये सन है, समझ में आ रहा है ना। तो जब आप मान लीजिए कि सन से कुछ कम दूरी से अगर देखते हैं तो वो साइज में बड़ा दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो उस यहां से देखने के बाद यानी यह जब बड़ा दिखाई देगा तो इसको हम पार्टिकल नहीं बोलेंगे। इसका दो केस है, पहला कि अगर एल का वैल्यू यानी इसका जो डायमीटर है ठीक है यानी एल का वैल्यू अगर लगभग लगभग अगर बराबर हो ठीक है इसके डिस्टेंस यानी जहां से आप देख रहे हैं यानी डी से ठीक है तो यह क्या होगा पार्टिकल नहीं कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। मगर उसी पार्टिकल को इसी सन को अगर हम पृथ्वी से देखते हैं ठीक है तो देख रहे हैं इसका किसका जो है डायमीटर क्या बहुत ही छोटा है किसके कंपेयर में आर के कंपेयर में, समझ में आ रहा है ना। तो जब यहां से देखेंगे तो ये हमको क्या होगा इसके कंपेयर यहां से छोटा दिखाई देगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं यानी जब एल का वैल्यू जो है अगर बहुत ही छोटा होता है ठीक है किससे एल से सॉरी एल का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है किससे आर से, एल का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है आर से तो उस कंडीशन में जो है हम क्या बोलेंगे कि यह जो है एक पार्टिकल है। यानी दूर से अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो ये बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि जब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को अगर हम नजदीक से देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है, तो बड़ा दिखाई देगा तो उसको हम पार्टिकल बोल नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और उसको जब आप दूर से देखिएगा जैसे मान लीजिए आप ही हैं अगर हमसे ज्यादा दूर है आपको हम देख रहे हैं ठीक है तो आप हमको छोटा दिखाई दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर बहुत ज्यादा दूर है तब तो उस सब केस में हम आपको पार्टिकल कह सकते हैं यानी अगर आपके जो लेंथ है ठीक है यानी आपका जो साइज है उससे हम दोनों के अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उस केस में आप एक पार्टिकल हो जाएगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप मेरे बहुत ही नजदीक है, समझ में आ रहा है ना, तो उस केस में तो आपका साइज बड़ा दिखाई देगा तो उस केस में हम आपको पार्टिकल नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब ठीक हो गया है ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैंटिनम। कैंटिनम देखिए कैंटिनम होता क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वह क्या होता है मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है ठीक है। तो अगर किसी भी बॉडी में अगर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है अरेंजमेंट जो होता है यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वह अगर एक समान रूप से वितरित हो उस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं कैंटिनम बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका बॉडी है और उस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है क्या है मॉलिक्यूल्स उसका अरेंजमेंट और क्या अगर कंटिन्यूअसली अगर क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका यह बॉडी है इस बॉडी में अगर कहीं भी अगर गैप हो जाता है क्या हो जाता है गैप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कैंटिनम नहीं बोल सकते, यानी ये जो मेरा बॉडी होगा वह कैंटिनम नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी बॉडी में गैप नहीं होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी पेज होता है ठीक है वह एक तरह का क्या होता है कैंटिनम होता है, क्योंकि उसमें जो गैप होता है ना वो नहीं होता है न के बराबर, समझ आ रहा है ना। ऐसे छोटा सा माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो छोटा छोटा जो है वायर जो होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं ठीक है। मगर अगर किसी बॉडी में अगर जो मॉलिक्यूल्स होता है ठीक है उसके साइज के कंपेयर में जो एवॉयड यानी जो छेद है उसका जो है यानी छिद्र इसको हम बोलते हैं ठीक है, तो उसका जो है साइज जो है अगर ज्यादा बड़ा होता है ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे कैंटिनम नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बोर्ड है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो है इसका बोर्ड का मॉलिक्यूल वो क्या है एक समान रूप से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी इसके बीच कहीं किसी तरह का कोई गैप नहीं है, अर्थात यह जो बॉडी है आपका एक तरह का क्या है कैंटिनम है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसका हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए इसका डेफिनेशन कहता है कि एवरी बॉडी is made of atoms or molecules and all the atoms or molecules are continuously distributed in the body। यानी कुमजान बोल रहा है इसका डिफरेंस कोई भी जो है बॉडी जो है वो क्या है किस चीज से बना होता है
एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हम लोग भी जानते हैं और पढ़े हैं, इससे पिछले क्लास में हम लोग भी पढ़े हैं कि कोई भी बॉडी जो होता है वह क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि आपका एक बॉडी ये है, ये क्या है, किसी एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसमें बॉडी के अंदर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स या एटम जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान रूप से पाया जाता है उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है और कहीं पर कम है, यानी इसमें जो होगा क्या होगा, प्रत्येक जगह जो होगा मॉलिक्यूल्स या एटम का जो होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। समझ रहा है ना? तो अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे वो क्या होंगे, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स और एटम का अरेंजमेंट जो है वह क्या है, कंटिन्यूअसली है। क्या है? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह देख रहे हैं हम क्या है, समान है। मगर जब हम इस बॉडी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ तीन जगह क्या है, गैप है, यानी तीन जगह जो है, यानी ये तीन को जो स्पेस है इस पर कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, यानी इसके बीच में क्या है, जब मॉलिक्यूल्स या एटम नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस बॉडी में क्या है, छिद्र है, यानी छेद है। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, वॉइड। ठीक है, बोलते हैं किसी भी बॉडी में अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा, तो उस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैंटिनम। और अगर कोई भी बॉडी है अगर उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल्स का जो है अरेंजमेंट क्या होगा, अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी समान रूप से नहीं होगा, यानी बॉडी में सिंपल वर्ड में कहे तो अगर किसी बॉडी में अगर छिद्र होता है तो उस तरह के बॉडी को हम क्या बोलेंगे, कैंटिनम नहीं बोलेंगे। जैसे आपका ये बॉडी है, ये क्या है, कैंटिनम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मास। मास क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी सामान अगर आप खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 1 kg सेब खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जो सेब खरीद रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपका जो है क्या है, इसमें 1 kg सेब रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि 4 सेब मिलकर के अगर 1 kg हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 apples मिलकर के क्या हो रहा है, 1 kg अगर पूर रहा है। ठीक है, 1 kg। मान लीजिए कि दूसरी जगह से लेते हैं, वहां पर सेब का जो साइज है वह क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो वहां पर मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, 3 ही सेब हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 ही सेब जो है वो क्या हो रहा है, 1 kg हो जा रहा है। समझ आ रहा है ना? तो देखिए मास क्या बताता है, मास जो है वो क्या करता है, किसी भी मैटर के यह जो क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है कि इस मैटर का क्वांटिटी कितना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका जो है सेब क्या है, अगर छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा है तो इसका जो है वो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका सेब अगर का साइज अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यहां पर क्या हो रहा है, इस नंबर ऑफ सेब क्या हो गया, इसकी अपेक्षा कम रहा है, मगर दोनों का मास क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है ना? तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं। तो डिफिनेशन कहता है कि इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, मतलब कि कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है तो उसका कितना जो है क्वांटिटी कंटेन कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी सिंपल वर्ड में हम समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप 1 kg अगर आलू खरीदते हैं, क्या करते हैं, 1 kg आलू खरीदते हैं, ये मान लीजिए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पोटैटो हो गया आपका। ठीक है, और मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा साइज वाला भी क्या है, यहाँ पर पोटैटो है, यानी आलू आपके पास है, तो आप अगर मान लीजिए कि ये 1 kg आपका क्या है, अगर आलू है, और ये भी क्या है, 1 kg आलू, तो इसको काट करके आप जो सब्जी बनाएगा, जो उसका जो मात्रा होगा वह क्या होगा, इसके हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जबकि यहां पर नंबर ऑफ जो है पोटैटो जो है वह क्या है, डिफरेंट है। यहां पर क्या है, 4 ही पोटैटो है, यहां पर क्या है, 6 पोटैटो है। समझ आ रहा है ना? तो इसका जो क्वांटिटी होगा वह क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यानी इसका क्वांटिटी अगर मान लीजिए साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर जो है उसका क्वांटिटी का, ठीक है, मैटर का, वो क्या हो जाएगा, सॉरी, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मगर क्वांटिटी जो होगा बॉडी का वो क्या होगा, हमेशा उतना ही होगा, जितना इसका क्वांटिटी होगा उतना ही इसका क्वांटिटी होगा। ऐसा नहीं कि अब 1 kg का बड़ा वाला आलू खरीद लिए और छोटा छोटा आलू खरीद लिए, मान लीजिए कि हालांकि 1 kg का होता तो नहीं है, ठीक है, मगर मान लीजिए होता है,
तो इसका जितना जो है इसका जो इसको हम अगर मान लीजिए इसका सब्जी बनाते हैं तो जितना सब्जी का मात्रा होगा क्वांटिटी होगा उतना ही अगर हम इस आलू का अगर सब्जी बनाते हैं तो दोनों का क्या होगा क्वांटिटी हमेशा सेम होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए मास का जो वैल्यू होता है बोला इट्स वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, यानी इसका जो मास का जो वैल्यू होता है आप इसको कहीं भी ले जाइएगा अगर एक केजी आपका सेब है तो उसको कहीं भी रखिएगा तो एक केजी रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका जो है क्या होगा वैल्यू कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं इसका यूनिट जो होता है मास का यूनिट क्या होता है वह केजी होता है, यानी यूनिट ऑफ मास जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, यानी यूनिट ऑफ मास क्या होता है या तो आपका केजी हो सकता है या फिर ग्राम हो सकता है या पाउंड हो सकता है। पाउंड होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ मास को हम लोग जो है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम क्या करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एम होता है। यानी मास क्या है आपका एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इसमें जो है दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है परिमाण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वेट के बारे में। वेट हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं भार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भार बोलते हैं। देखिए वेट जो है यह क्या है आपका एक प्रकार का क्या है फोर्स है। बट वेट क्या है एक प्रकार का फोर्स है जो किसी भी बॉडी को क्या करता है अर्थ की ओर क्या करता है अट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका ये बॉडी है ठीक है, तो अगर इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो क्या होगा यह नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ क्या है वेट है, तो वेट के कारण क्या होगा यह जो है बॉडी जो है वह पृथ्वी की ओर क्या हो जाएगा खींचा चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं अगर छोड़ देते हैं हवा में तो हम देखते हैं कि वह क्या होता है पृथ्वी के क्या होता है पृथ्वी की ओर गिर जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है वेट। यानी कोई भी वस्तु जो है वह क्या होता है वेट फोर्स के कारण ही क्या होता है वह नीचे की ओर गिरता है। समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं आगे। वेट के इसका डिफिनेशन कहता है कि इट इज अ फोर्स विथ द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी सबसे पहले बोल रहा है कि वेट जो है वह क्या एक प्रकार का फोर्स है यानी बल है। ठीक है, विथ द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो किसी भी बॉडी को जो है वह क्या करता है सेंटर की ओर क्या करता है खींचता है। यानी वेट जो है वह एक प्रकार क्या है फोर्स है जो किसी भी बॉडी को क्या करता है इस फोर्स के कारण ही क्या होता है कोई बॉडी अर्थ की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर किसी बॉडी को अगर हम छोड़ रहे हैं और छोड़ने के बाद अगर बॉडी पृथ्वी की ओर क्या हो रहा है गिर रहा है, इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस पर जो है वेट फोर्स लग रहा है। यानी इसी फोर्स के कारण कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वह पृथ्वी की ओर क्या होता है अट्रैक्ट होता है यानी गिरता है। समझ में आ रहा है ना। आगे कि इट्स वैल्यू चेंज पैलेस टू पैलेस, इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है चेंज होते रहता है। यानी अगर बल का अगर मान लीजिए जो वेट है इसका अगर वैल्यू अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस पैलेस पर अगर कुछ है ठीक है, तो अगर इस पैलेस को अगर हम चेंज कर देते हैं अगर इस पैलेस पर ले आते हैं तो इसका वेट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर किसी बॉडी को अगर पृथ्वी के सेंटर पर ले जाया जाए तो वहां पर जो होता है वो वेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है क्या होता है जीरो। तो देखिए यह जो है वेट फोर्स जो है वो क्या होता है यह जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी। ठीक है, यानी मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है, यानी जी का मान अगर वैरी करेगा, चूंकि हम जानते हैं मास का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, आप इसको कहीं भी ले जाइए, ठीक है, चांद पर ले जाइए, तारे पर ले जाइए, अर्थ पर लाइए, यानी किसी भी अगर मानी जगह पर हम ले जाते हैं तो इसका वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, किसका, मास का, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, मगर जी क्या है, ये वेरिएबल है, इसका मास जो है वो वैरी करते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। तो अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि सेंटर पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जी का मान जीरो हो जाएगा अर्थ के सेंटर पर, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे मास में तो वेट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दूसरी बात, अगर हम आप ये भी जानते हैं कि अगर अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो इसमें जो है जी का मान क्या होता है, घटते जाता है, क्या होगा, जी का मान क्या होगा, घटते जाएगा, कमेगा, और नीचे की ओर आएंगे तो क्या होता है, जी का मान जो होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में अगर मान लीजिए कोई बॉडी को अगर नीचे से आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो इसका वेट क्या होगा, कम जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस पोर्शन पर कुछ है तो अगर कुछ ऊपर ले जाते हैं इसको तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कुछ कम जाएगा पहले की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि जी का मान जो है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वह क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ने पर कम हो रहा है और नीचे की ओर आते हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आइए हम लोग वेट के बारे में जानते हैं आगे, ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेट जो है मेरा वो क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि वेट में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी आपका है ये, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें वेट का वैल्यू होगा, यानी मान लीजिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी, यानी इसका जो है कुछ ना कुछ क्या होगा, एम इंटू जी का क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं एक्स न्यूटन, समझ में आ रहा है, यानी इसका क्या है, कुछ ना कुछ परिमाण है, प्लस में देख रहे हैं कि इसका क्या है, एक डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, अर्थ की सेंटर की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होकर के क्या होता है, नीचे गिर जाता है, यानी इसमें जो है वेट में जो होता है क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, समझ आ रहा है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि इट इज द जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी वेट का जो होता है वैल्यू वह अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अर्थ है तो उसका सेंटर जो होता है उस पर जी का जो वैल्यू है वह क्या आ जाता है, जीरो के बराबर होता है। यानी अगर इस फॉर्मूला में अगर हम मान लीजिए जी का वैल्यू अगर क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो मास तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी मास कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो जब मास चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जब जी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जीरो, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इसी वजह से जो है क्या होता है, मेरा वेट का वैल्यू जो है वह अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जीरो जी का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। चलिए नीचे कह रहा है, इट इज मेजर इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, यानी इसको जो है हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी इसका अगर यूनिट हम देखना चाहेंगे तो इसको यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इसका अगर हम यूनिट देखना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक ना, तो m इंटू जी होता है, तो हम जानते हैं कि m का जो यूनिट होता है, m का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, kg होता है, g का जो यूनिट होता है यानी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा रहा है, और इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका, वेट का, वह क्या होता है, एम एल टी माइनस टू के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखेंगे तो देखिए, केजी से हम लोग किसी को मेजर करते हैं, तो केजी से हम लोग मास को करते हैं मेजर, और मास का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम होता है, ठीक है। उसके बाद है मीटर, मीटर से हम लोग किसको मापते हैं, लेंथ को मापते हैं, और लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल होता है, और आगे देखिए क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, भागा में, तो भागा में जो है सेकेंड से हम किसको मेजर करते हैं, टाइम को, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, T
टी हो जाएगा, इसका पावर दो है तो इसको क्या कर देंगे, पावर दो कर देंगे, और इसी को जब ऊपर ले जाएंगे यानी ऊपर की ओर ले जाएंगे इसका क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका टी माइनस टू। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो आइए हम लोग लेंथ के बारे में समझते हैं आगे। देखिए लेंथ का डिफिनेशन कहता है कि स्पेस में किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका क्या है बी है, ये दोनों का जो बीच का जो दूरी होगा यानी जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ, लेंथ बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को आगे। आइए हम लोग समझते हैं टाइम के बारे में। ठीक है कि टाइम क्या होता है, तो टाइम का डिफिनेशन बोलता है कि किसी भी दो इवेंट्स के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी दो वर्क को आप कर रहे हैं तो उसके बीच में जो गैप होता है यानी जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जो है कुछ और कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद जो है आप क्या करते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, कुछ समय बाद जो है क्या करते हैं, आप ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो इस दोनों इवेंट के बीच में जो है डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कुछ ना कुछ इस दोनों के बीच में क्या समय लगा होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।